ग्रामों की तादाद 1000 रियाल है। 1000 तो नो एंट्री का है, और कहीं भी अगर नो पार्किंग में भी ठहरेंगे तो नो एंट्री का ही मुकाबला 1000 रियाल। अच्छा, अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सऊदी अरब से लाइव हूं जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट ये है कि आप भाई को आज मैं एक भाई के साथ मिलाऊंगा, इंडियन भाई है जी, ट्रेलर रहा है सऊदी अरेबिया में, कितनी देर होगी है, कितने तक कमा लेते हैं, तमाम तर तफसील आपके साथ शेयर करता हूं इस वीडियो में। कि सऊदी अरेबिया में अगर आप ड्राइवरी के वीजे पर आते हैं या सऊदी अरेबिया में अगर आप मुकीम है, आपके पास भाई रुख्सा लाइसेंस वगैरह है, तो आप ऐसी ड्राइविंग करके जैसा कि ये भाई चला रहे हैं तो कितने तक कमा लेते हैं, मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर कर देता हूं मैं भाई के साथ जो मेरे पास इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो इनसे गपशप करते हैं जी, फिर देखते हैं। और ये जो दावत हम अभी खाने लगे हैं ना, इनकी तरफ से चल रही है। तो ये हैं जी फिरोज भाई। फिरोज भाई, अस्सलाम वालेकुम। कितने साल से सऊदी अरेबिया में? 12 साल। 12 साल, तो 12 साल ये ट्रेलर ड्राइव कर रहे हैं। हाँ सही है। तो सैलरी वगैरह क्या हिसाब? सैलरी जो है 1500 देते हैं, ट्रिपल ऑन शो है मिला के 1500 रियाल बस। इतने बड़े ट्रेलर की यार 1500 रियाल। ट्रिप का क्या हिसाब है? ट्रिप का जो है पूरा मिला के 2000 तक बस, महीने का 2000 तक कमाते हैं। हाँ। यार पाकिस्तानी एक को मैं मिला हूँ, उसकी वीडियो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी, वो सराइकी था एक, वो तो बता रहा था मेरे को कि मैं 4000 रियाल महीना कमा लेता हूँ। नहीं, तकरीबन लोग जो है जो गाड़ी जो है कपिलों के चलाते हैं उन लोगों को सैलरी कम रहती है, जो कंपनी के चलाते हैं उनको ज़्यादा। हाँ, और अकामा इंक्लूडिंग रहता है। अच्छा, इकामा कफील का, आपकी रहाइश कफील की है, खाने पीने का जो निज़ाम है ये कफील का? कफील का है, खाने पीने का निज़ाम कफील का है जी। और इसके अलावा 2000 से 2500 के अराउंड पे आप कमा लेते हैं। एक्चुअली जो आदमी लोग बोलते हैं कि ट्रेलर ड्राइवर में ऐसा है वैसे, चालाना भी है, हाँ, मुखालफे भी है, हाँ, स्पीड चलाएंगे, मोबाइल यूज़ करेंगे, निज़ाम नहीं लगाएंगे यानी बेल्ट नहीं लगाएंगे, हाँ, तो वो हिसाब से भी आपको सैलरी कम आती है। क्यों? आप तो चले जाते हैं नंबर प्लेट पर मुखा, हाँ, तो स्पीड के हिसाब से। और जो कफीलों का काम करते हैं वो लोग को सैलरी कम रहती है। हाँ। जो कंपनी में काम करते हैं उन लोगों को सैलरी भी रहती है प्लस अकामा भी, टैक्स। अच्छा, एक बात और बड़ी अभी परेशान कुन है, परेशान कुन ही बोल सकता हूँ मैं इसे, और क्या बोलूँगा, जगह जगह कैमरे लगा दिए गए हैं, आप कोडर्ड पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं गाड़ी चलाते हुए, आपको पता है इसके मतलब मुकम्मल डिटेल? जो ड्राइवर भाई है सऊदी अरेबिया में भाई, टक गाड़ी के नाम के ऊपर ग्रामे आए जा रहे हैं, और अभी तो ज़्यादातर ग्रामों की तादाद 1000 रियाल है। 1000 तो नो एंट्री का है। हाँ। और कहीं भी अगर नो पार्किंग में भी ठहरेंगे तो नो एंट्री का ही मुकालफा 1000 रियाल। अच्छा, अगर ये इकामे में अगर आप कैमरे में कैच हो जाए, बेल्ट नहीं लगाया हुआ है, 500 रियाल। अगर कोई चीज़ आप खा रहे हैं पी रहे हैं, 500 रियाल। मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, 500 रियाल है जी इस चीज़ का भी। और सफ़र जो है लंबा था मदीने से, अल्हम्दुलिल्लाह, मदीने से जद्दा, जद्दा से जीजान, सफ़र लंबा है। वजह यह है कि हर चीज़ को एक रोटेशन लेके चलना पड़ता है। हाँ। यानी आप ओवर स्पीड मार रहे हैं, ओवरटेकिंग मार रहे हैं, अभी ओवरटेकिंग मारेंगे 3000। हाँ, लंबा गाड़ी है, लंबा गाड़ी है, ओवरटेक यानी कि किसी गाड़ी को क्रॉस करेगी, गाड़ी को तिजाउज यानी अरबी में बोलते हैं तिजाउज। तिजाउज करने से क्या होता है, 3000 ग्राम। हाँ। अगर कोई सामने वाला अगर स्पीड नहीं जा रहा, अभी रूल्स कैसा है, अगर सामने वाला स्पीड नहीं जा रहा तो उसके बरोबर जाओ, ऐसा तिजाउज में आ जाते, यानी बरोबर नहीं जाके आप ओवरटेकिंग कर रहे हैं, अगर वो जब तक आपको साइड नहीं देगा आप साइड नहीं जा सकते। हाँ। खा पी कर अपनी रहाइश का खर्चा निकाल कर 2000 से 2500 के अराउंड में कमाते हैं, मेड इन इंडिया हैं जी। फिर हैदराबाद के सबसे बड़ी बात ये है, तो पहली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो मेड इन पाकिस्तान थे भाई मेरे, तो उस अच्छा उस वीडियो का ना लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ भी दूंगा, आप भाई मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। वो गारबन आज से 6-7 माह पहले मैंने अपलोड की थी, आप भाई ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था उसके ऊपर। तो ये एक दूसरी वीडियो है मेरी ट्रेलर ड्राइवर के साथ, तो 24 घंटे हो गए हैं, 24 घंटे में ये गारबन 4-5 घंटे सोए होंगे आप? तीन घंटे सोए हैं जी 24 घंटे में बस सफ़र कर रहे हैं। आप इंडिया से तलक किधर का है? हैदराबाद से। हैदराबाद किधर से? हैदराबाद खैरताबाद से। खैरताबाद से? इंडिया वाले बहुत से बंदे देखते हैं ना, तो वो फिर खैरताबाद से। कुछ काम की बातें हैं जी, ड्राइवर भाई हैं और जो खासकर न्यू वीज़ा होल्डर सऊदी अरेबिया में आना चाहते हैं ये ड्राइवरी के मुतालिक, उनके लिए काफ़ी काम की बातें हैं। इस भाई का काफ़ी एक्सपीरियंस है इस मामले में, 10 साल हो गए हैं मैंने आपको बताया जी इनको इसी काम में, तो कुछ काम की बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बाकी आप भाई मुझे मज़ीद कुछ आपने पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आप भाइयों के साथ ऐसी वीडियो लेकर हाज़िर होता रहूँगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।